नमस्कार, मैं माधव शर्मा खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं 26 अप्रैल 2021 वार सोमवार के पंचांग की। आज व्रत और त्योहार की अगर हम बात करें तो आज पूर्णिमा का व्रत है। आज के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की पूजा का विधान बताया गया है। आज हमें ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय दोनों मंत्रों का जाप अवश्य ही करना चाहिए, जो कि अत्यंत ही लाभप्रद रहेगा। आज के दिन भद्रा रहेगी, जो कि 12:45 से रात 10:52 तक रहने वाली है। भद्रा पाताल लोक की है, जो कि अत्यंत ही शुभ मानी गई है। भगवान विष्णु और भगवान शिव सभी का मंगल करें, इसी कामना के साथ हम शुरू करते हैं आज का पंचांग। वार सोमवार, विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, माह चैत्र माह, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि चतुर्दशी 12:46 तक रहेगी। नक्षत्र चित्रा नक्षत्र रात 11:06 तक। योग वज्रयोग। करण वणिज करण, जो कि 12:46 तक रहेगा दोपहर। उसके बाद दृष्टिकरण लग जाएगा, जो कि रात 10:54 तक रहने वाला है। बात करते हैं सूर्य और चंद्र से संबंधित गणनाओं की। सूर्योदय प्रातः 5:56, सूर्यास्त 6:52। सूर्यदेव अपनी राशि और नहीं अपनी उच्च की राशि मेष राशि से गोचर कर रहे हैं। चंद्रोदय 6:11, चंद्रास्त अगले दिन 6:00। चंद्र राशि की बात करें तो 12:32 तक चंद्रदेव कन्या राशि में होंगे, उसके बाद वे तुला राशि से गोचर करेंगे। आइए बात करते हैं शुभ समय एवं अशुभ समय की। शुभ समय में सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त की। ब्रह्म मुहूर्त 4:22 से और 5:10 तक रहेगा। इस मुहूर्त में हम अपने इष्ट देव की उपासना और मंत्र जाप कर सकते हैं। बात करते हैं अभिजित मुहूर्त की। अभिजित मुहूर्त 11:58 से और 12:50 तक रहने वाला है। इस अभिजित मुहूर्त में हम कोई भी अपना शुभ कार्य शुरू करना चाहें तो हम कर सकते हैं। बात करते हैं चौगड़िया की। सबसे पहले अमृत का चौगड़िया, जो कि एक शुभ समय है, 5:56 से 7:33 तक रहेगा। अमृत के बाद काल का चौगड़िया 7:33 से 9:10 तक रहने वाला है, जो कि एक अशुभ चौगड़िया है। काल के बाद शुभ का चौगड़िया 9:10 से 10:47 तक रहेगा, जो शुभ है। शुभ के बाद रोग का चौगड़िया 10:47 से 12:24 तक रहेगा, यह भी अशुभ चौगड़िया है। रोग के बाद बात करें उद्वेग का चौगड़िया 12:24 से 2:01 तक रहेगा, यह भी एक अशुभ समय माना गया है। उद्वेग के बाद चर का चौगड़िया, जो कि एक सामान्य माना गया है, 2:01 से 3:38 तक रहने वाला है। चर के बाद लाभ का चौगड़िया 3:38 से और शाम को 5:15 तक रहेगा, यह शुभ चौगड़िया या फिर शुभ समय माना गया है। लाभ के बाद अमृत का चौगड़िया 5:15 से और 6:52 तक रहने वाला है, यह भी शुभ समय माना गया है। शुभ, लाभ और अमृत, ये तीनों चौगड़िया अत्यंत ही शुभ है। रोग, उद्वेग और काल, इन्हें अशुभ समय माना गया है। बात करते हैं अशुभ समय। सबसे पहले राहु काल। राहु काल 7:30 से और 9:00 तक रहने वाला है। यह अवधि अत्यंत ही अशुभ मानी गई है। कोई भी शुभ कार्य इस राहु काल में नहीं करना चाहिए। बात करें गुलिक काल की, तो गुलिक काल दोपहर 2:00 से लेकर 3:30 तक रहेगा। गुलिक काल को भी राहु काल के समान अत्यंत ही अशुभ माना गया है। कोई भी शुभ कार्य हमें इन दोनों समय में नहीं करना चाहिए। बात करते हैं दिशाशूल की, यानी आज के दिन किस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो आज के दिन का दिशाशूल है पूर्व दिशा। जातकों को आज पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। फिर भी अगर बहुत ही जरूरी है तो दूध या दूध से बनी हुई वस्तुओं का सेवन करके आज आप यात्रा करके दिशाशूल का परिहार कर सकते हैं। बात करते हैं चंद्रबल, यानी चंद्रमा कौन कौन सी राशियों को अपना बल प्रदान कर रहे हैं या फिर कौन कौन सी राशियां आज शुभ है। 12:32 तक अगर हम बात करें तो चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो 12:32 तक जो राशियां शुभ हैं वे हैं मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन। और 12:32 के बाद में जो राशियां शुभ हैं वे हैं मेष, वृष, सिंह, तुला, धनु और मकर। आइए बात करते हैं नामाक्षर, यानी आज जन्म लेने वाले बच्चों के नामाक्षर क्या होंगे। उनके नामाक्षर हैं पे, पो, र, री और रू। ये सभी कन्या और तुला दोनों राशि के अंतर्गत आते हैं।
धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें। हमारे कुछ जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।